अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूँ जैन तेरह जून है और दिन है मंगल का इमरान रियाज खान के मामले पर मैंने कई दफा अपनी वीडियोस में ये बात की है कि इस तमाम तर मामले में यानी इमरान रियाज खान की बाजियाबी में कई ऐसी चीजें हैं जिनको ओपनली डिस्कस नहीं किया जा सकता मैं पहले दिन से बार बार ये बात कर रहा हूं कि इमरान रियाज खान का मामला बहुत हसास है इस मामले के अंदर तमाम तर चीजें ओपनली नहीं बताई जा सकती मैंने कई दफा अपनी वीडियोस में बताया कि एक मामला अदालत के अंदर चल रहा है तो कुछ कोशिशें अदालत के बाहर भी हो रही हैं जहां पर लोग पर्सनल लेवल पर यानी जाती ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए इमरान रियाज खान को बाजियाब करने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 24 घंटों के अंदर इमरान रियाज खान के हवाले से कुछ नई तफसीलात सामने आई हैं तीन चार बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई हैं तीन चार बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं इमरान रियाज खान के केस में जो मुझे आपको गोश गुजार करनी है पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि कल वर्किंग ग्रुप का इजलास हुआ है वो वर्किंग ग्रुप जो लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर बना था पंजाब पुलिस तमाम तरहसास इधारों के नुमाइंदगा इमरान रियाज खान के वकला और इमरान रियाज खान के वाल साहब उस वर्किंग ग्रुप का हिस्सा है कल होने वाले इस वर्किंग ग्रुप के इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है क्या उसमें तय पाया क्या बताया गया इमरान रियाज खान के वुकला को इमरान रियाज खान के वाल साहब को क्या बताया गया कल चौदह जून को इमरान रियाज खान केस की समाप्त होने जा रही है वो तमाम तरह तर तफसीलात कल हाईकोर्ट में तो पेश की जाएंगी लेकिन उस इजलास की जो अंदरूनी कहानी है वो मैं आपको बता देता हूं दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि दो लोग दो लोग इमरान रियाज खान के घर गए हैं इमरान रियाज खान की फैमिली के पास कोई पैगाम लेकर गए हैं वो दो लोग कौन है ये तो मैं शायद आपको ना बता सकूं क्योंकि जाहिर है मैंने आपको पहले कहा कि कुछ चीजें ओपनली डिस्कस नहीं की जा सकती मामला हसास है मेरे थोड़े कहे को आप ज्यादा समझिएगा दो लोग इमरान रियाज खान के घर गए हैं कुछ पैगाम लेकर पैगाम क्या था वो मैं आपको जरूर बता दूंगा इमरान रियाज खान के अहले खाना ने उन दो लोगों को क्या जवाब दिया वो भी मैं आपको गोश गुजार कर दूंगा इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या इमरान रियाज खान के वकील का यानी मिया अली अशफाक साहब का इमरान रियाज से पहला रबता हो चुका है इमरान रियाज खान की बाजियाबी कब होगी ये दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बता देता हूं पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कल वर्किंग ग्रुप कमेटी का इजलास हुआ उस इजलास के अंदर जो डीआईजी ऑपरेशंस जी शहजादा सुल्तान साहब जो हैं वो उसकी सरबराई कर रहे थे पंजाब पुलिस के लोग हैं हसास इदारों के लोग हैं इमरान के वकला और वालिद साहब मौजूद हैं उस कमेटी के अंदर जो है वो बताया गया कि किस तरीके से इमरान रियाज खान को बाजियाब करने की कोशिश की जा रही है अगर कोई ये सोचता है कि इस इजलास का कोई नतीजा नहीं निकलेगा तो मैंने आपको बताया था कि यह इजलास इस वजह से जरूरी है चूंकि लाहौर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस अमीर भट्टी इस मामले को मरने नहीं देना चाहते वो इस मामले को जिंदा रहने देना चाहते हैं इसी वजह से अदालत के अंदर भी कोशिशें हो रही हैं और अदालत के बाहर भी हो रही हैं। कल वर्किंग ग्रुप कमेटी के इजलास में यह तय पाया है कि इमरान रियाज खान की बाजियाबी के हवाले से इस्लामाबाद में भी कुछ मुख्तर इदारों के साथ जो है वो बातचीत की जाएगी और वहां से भी मुआवनत ली जाएगी मदद ली जाएगी वफाकी हुकूमत की मदद ली जाएगी और फिर इमरान रियाज खान को बाजियाब करने की कोशिश की जाएगी वो जो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अफगानिस्तान वाली एक खबर दी थी कि जनाब जियो फेंसिंग से हमने ट्रेस किया है इमरान रियाज खान की लोकेशन अफगानिस्तान से ट्रेस हुई है कल होने वाले वर्किंग ग्रुप कमेटी के इजलास में इस दावे की नफी सामने आई है यानी यह कहा गया है वर्किंग ग्रुप की जाने से कि इमरान रियाज खान पाकिस्तान में ही मौजूद हैं और पुलिस और हसास इदारे उनको बहुत जल्द बाजियाब करवा लेंगे अब आते हैं दूसरी खबर की तरफ दूसरी खबर यह है कि कौन दो लोग इमरान रियाज खान के घर गए हैं मैं उन दोनों लोगों का नाम नहीं आपको बता सकता लेकिन यह आपको बता दूं कि उन दोनों लोगों का ताल्लुक भी उसी शोबे से है जिसका जिस शोबे से ताल्लुक इमरान रियाज खान का या मेरा है यानी वो दोनों भी सहाफी हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो दो लो लोग इमरान रियाज खान के घर गए हैं और मैं अपनी इस खबर पर कायम हूं कि इमरान रियाज खान के घर गए उनके अहल खाना से मुलाकात हुई और पैगाम दिया गया वो पैगाम भी क्या था छोड़ी उसको लेकिन इमरान अराज खान के अहले खाना ने जो जवाब दिया वो मैं आपको बता देता हूँ इमरान खान के अहले खाना खासतौर तो पर उनकी अहलिया और उनके वाले साहब ने ये पैगाम दिया कि चुके मेरा बेटा मेरा शोहर हक के लिए खड़ा है वो पाकिस्तान के लिए खड़ा है और हमें ये लगता है ज्यादा समझिएगा जो पैगाम आया था वो भी अब आपको समझ आ गया होगा कौन लोग पैगाम लेकर आए थे इसको छोड़िए पैगाम का जवाब इमरान खान के खाना ने दिया कि इमरान रियाज खान ने हमें यह लगता है कि कभी कोई गलत बात नहीं की उसने हमेशा पाकिस्तान की बात की उसने पाकिस्तानियों की बात की आ, अपनी मिट्टी की बात की इस वजह से हम ये नहीं कह सकते कि इमरान रियाज खान जब बाहर आएगा तो उसको नहीं बोलना चाहिए यानी वो अपना यूट्यूब बंद कर दे टीवी प्रोग्राम्स में जाना बंद कर दे अगले एक डेढ़ साल खामोश हो जाए चुप करके बैठ जाए या मुल्क से बाहर चला जाए ये हम आपको गारंटी नहीं कर सकते बहुत बेहतर है इसके लिए आप डायरेक्ट इमरान रियाज से रता करें यानी ये पैगाम इमरान रियाज खान के हवाले से जो दो लोग पैगाम लेकर इमरान के घर आए थे उनको दिया गया दूसरी तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या इमरान रियाज खान के वकील मियां अली अशफाक साहब का इमरान रियाज से कोई राबता हुआ है उन्होंने कल एक ट्वीट किया था मैं चाहता हूं आप वो ट्वीट देखिए उसके बाद मैं फिर आपको अगली तफसी बताऊंगा कि इसमें कितनी हकीकत है कि रबतों के हवाले से जो अफवाहें और खबरें गर्दिश कर रही हैं उसमें कितनी सदाकत है खबर ट्वीट ये किया मियाँ अशफाक ने काफी लंबा ट्वीट था लेकिन मैं उसमें दो जुमले आपको बता देता हूँ इसके अलावा भी इमरान रियाज की जिंदगी और सेहत से मुतल सता से खैर के मामलात हैं बाज़ियाबी के लिए हम में चल रहे हैं देखिए मिया अली अशाक साहब जो हैं वो जो भी ट्वीट करेंगे या करते हैं उनको भी इस बात का अंदाजा है कि वो ट्वीट अब लाखों लोग देख रहे हैं चूंकि इमरान रियाज खान की वकालत वो कर रहे हैं और अगर मियाँ अली अशफाक साहब ये बात कर रहे हैं कि आला तरीन सता से मामलात खैर के मामलात की खबर है तो इसका मतलब यह है कि उनको भी यह पैगाम पहुंचाया गया है कि इमरान रियाज खान खैरियत से है मियाँ अली अशफाक साहब अपनी तरफ से ना तो खुद कुछ लिखते हैं और ना लिख सकते हैं खासतौर पर इस मामले पर देखिए वो एक बंदे की वकालत कर रहे हैं जो बंदा तकरीबन एक महीना दो दिन से लापता है अगर वो अपनी तरफ से ये बात कर देंगे कि इमरान रियाज खान खैरियत से है तो ये बहुत बड़ा बलंडर होगा मियाँ साहब ने ये अपनी तरफ से बात नहीं की उनको ये पैगाम किसी ना किसी तरीके से पहुंचाया गया है कोई ना कोई रही करवाया गया है कि इमरान रियाज खान खैरियत से हैं इसी वजह से मियाँ अली अशफाक ने यह बात लिखी और दूसरी उन्होंने ये भी लिखा कि हम बाजियाबी के लिए धुरु सिमत में जा रहे हैं यानी जो कोशिशें हो रही हैं अदालत में या अदालत के बाहर वो ठीक हो रही हैं और मैंने भी आपको बार बार ये बात कही कि अदालत के बाहर जो कोशिशें हो रही हैं जो पर्सनल लेवल पर लोग कोशिश कर रहे हैं उसका नतीजा निकल आएगा इमरान रियाज खान के वाले से जो दो लोग पैगाम लेकर गए थे इमरान रियाज खान की फैमिली के पास वो दो लोग भी बहुत ज्यादा पुर उम्मीद हैं। वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनको भी उम्मीद है कि इमरान रियाज खान बिल्कुल खैरियत से हैं और जल्द अपने अहले खाना के पास आ जाएंगे कल चौदह जून को इस केस की दोबारा सवात होने जारी है वर्किंग ग्रुप का जो इजलास हुआ था एक दिन पहले उसकी जो रिपोर्ट है उसके जो मीटिंग मिनट्स हैं वो कल लाहौर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस अमीर भट्टी की अदालत में पेश किए जाएंगे तमाम चीजें तब भी सामने आएंगी मेरे पास इस हवाले से कोई अपडेट होगी तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा अंटिल नेक्स्ट टाइम अलाउफ